I love your dad. नमस्ते व्यूअर्स, ऑटो सिंह में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में जो गाड़ी हम आपके लिए लेके आने वाले हैं, इनफैक्ट जो गाड़ी ले आए हैं हम, वो एक वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड कार्स। और जो कहते हैं ना, जब सड़क पे चलती है तो टोरा आ जाता है, जो एक रॉप पंती आती है, वो गाड़ी लेके आए हैं हम। कि आप समझ गए होंगे कौन सी गाड़ी है ये, आपको मैं ये निकाल के भी दिखा देता हूँ। महिंद्रा की, और महिंद्रा की थार, महिंद्रा थार 4x4 मैनुअल पेट्रोल हम आपके लिए लेके आए हैं आज। आप देख सकते हैं इस गाड़ी को, अब इस गाड़ी के बारे में क्या ही बताना। ये गाड़ी जो है फिलहाल एक थार है, और थार भी जो है वो एक मॉडिफाइड थार है। इसमें यूज़र ने अपने हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशन करा रखे हैं, जो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। लेकिन चलिए पहले शुरुआत करते हैं गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल से। फ्रंट प्रोफाइल जो गाड़ी को एक धांसू लुक देता है, ये आप देख सकते हैं। बीच में जीप जैसे ग्रिल, और आपको सेंटर में राउंड हेलोजन हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं। DRLs और इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं गाड़ी की साइड में, और एक बहुत ही बड़ा सा बम्पर गाड़ी में आपको फाइबर का मिल जाता है थार की बैजिंग के साथ साथ। और यहीं पर आपको फॉग लैम्प की हाउसिंग मिलती है। फॉग लैम्प भी आपको, क्योंकि एक टॉप मॉडल है तो फॉग लैम्प भी आपको इसी मॉडल में मिल जाता है। कस्टमाइज जो यूज़र ने करा रखा है वो ये करा रखा है, ये प्लेट एडिशनल लगवा रखी है, और जो बम्पर है उनको एक्चुअली में पेंट करवाया जा चुका है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत क्रोम का जो वर्क है वो आपको मिल जाता है। बोनट खोलने के लिए ये डिज़ाइन, एक पुराना डिज़ाइन, आज भी थार में आता है। महिंद्रा की बैजिंग, थार की बैजिंग, और ज़बरदस्त इंजन। गाड़ी का अगर साइड प्रोफाइल पे अगर आपको लेके चले हैं, तो आप देख सकते हैं साइड प्रोफाइल में भी आपको ये एक्सटेंड होता हुआ, जो कि टायर को यहाँ पे प्रोटेक्शन देता है ये। और साइड में आते हैं हम, आप देख सकते हैं यहाँ पे एम हॉक की बैजिंग, ये गाड़ी के लिए एंटीना। और एंटीना के साथ साथ आप डोर हिंजेस यहाँ पे देख सकते हैं, विच इज़ क्लियरली विजिबल यहाँ पे आप देख सकते हैं। गाड़ी 2 डोर में ही आती है, इनफैक्ट 3 डोर, क्योंकि पीछे एक डिगी का भी डोर होता है, तो वो भी एक डोर। ये आपको ये ORVM मिल जाते हैं, जो कि मैनुअली ऐसे रिट्रैक्टेबल जो है वो ये नहीं है, तो ये आपको रिट्रैक्ट करने पड़ते हैं, लेकिन अंदर से इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट इसकी पॉसिबल है। ये आपको बैक प्रोफाइल मिलता है, आपको वापस ये एक्सटेंड होता हुआ, और फुट रेस्ट जो है आपको यहाँ पे गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी काफ़ी लंबी है, काफ़ी ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस है, तो चढ़ने के लिए आपको ये मिल जाता है। फिर गाड़ी में आपको पीछे ये टायर्स आपको मिल जाते हैं, ये आपको फ्यूल लिड का ओपनर मिल जाता है। गाड़ी का टेल लैम्प अगर आप देखेंगे तो टेल लैम्प में भी थार की बैजिंग मिलती है। ये आपको गाड़ी का बूट मिल जाता है, कुछ देख सकते हैं, कुछ इतना बूट यहाँ पे आपको मिल जाता है, अंदर इतना कुछ डीप है, ज़्यादा बड़ा बूट स्पेस गाड़ी का नहीं है। पीछे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, और ये वापस से पेंट कराया हुआ। आपको पार्किंग सेंसर यहाँ पे मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको एक और रिफ्लेक्टर, ये आपका टेल लैम्प यहाँ पे आपको मिल जाता है। पीछे आपको एक लुक के लिए, ये लुक क्या, जो आपका जो स्टेपनी एडिशनल जो व्हील है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। और इस पर अब हम आपको टायर प्रोफाइल के बारे में बता देते हैं। तो टायर प्रोफाइल है वो गाड़ी का 255/65R18 18 इंचेस के ये सुपर अलॉय व्हील्स इस गाड़ी में आपको मिलते हैं। तो उनका कुछ एडिशनल वर्क तो आपने गाड़ी में देख ही लिया था। आपको गाड़ी के इंटीरियर पे लेके चलते हैं और बताते हैं कि आपको गाड़ी में क्या क्या ऑप्शन मिल जाते हैं। और इंटीरियर अगर आप देखें तो डोर पैनल पर आपको मिल जाता है यहाँ पर ये इस तरह का डोर नॉब, जो कि बॉडी कलर है। फिर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट करने के लिए ORVM के स्विचेस मिल जाते हैं, और ये आपको डोर पे भी देखें ऊपर आप, तो थार की बैजिंग आपको डोर पे भी मिल जाती है यहाँ ऊपर। और ये जो है ये खैर एम्बिएंट लाइटिंग यूज़र ने अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कराया हुआ है। एक बार डोर खोल के दिखा दो सचिन, इनकी डोर बाहर से ऐसा लगता है थोड़ा वाइड में, तो इस तरह का आपको डोर मिल जाता है गाड़ी में। और अब आपको ले चलते हैं गाड़ी के, आपको देख सकते हैं आपको बॉटल होल्डर की स्पेस मिल जाती है। और डोर जो खुलने का जो है ऑप्शन, देखिए वो कैसा कपड़ा सा लगा हुआ है, तो ये आपको कहीं ना कहीं से पुरानी थार की याद दिलाता है। आइए आपको लेके चलते हैं हम गाड़ी के इंटीरियर में। ये एक फुली कस्टमाइज थार है, लेकिन फिर भी आपको बताते हैं हम, ये गाड़ी का स्टेयरिंग आपको मिल जाता है। स्टेयरिंग पे ही सारे कंट्रोल्स आपको वॉल्यूम के मिल जाते हैं, क्रूज के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है। गाड़ी में आपको मैनुअल जो एनालॉग
मीटर है वो मिल जाता है, आरपीएम भी आपको डिजिटल की जगह एनालॉग मिलता है यहाँ पे, और एसी वेंट्स की आप बात करें तो कुछ इस तरह के एसी वेंट 1, 2, 3, 4 ये चारों एसी वेंट्स इस तरह के आपको मिल जाते हैं। ये खैर कस्टमाइज्ड एसी वेंट्स हैं, जो लाइट आपको दिख रही है नीचे आपको अब लेके चलते हैं तो आपको ये एसी के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं जो कि मैनुअल है। ये आपको ट्रैक्शन कंट्रोल और इन सब चीज़ के ऑप्शन मिलते हैं, और गियर लीवर की बात करें तो ये मैनुअल गियर लीवर 6-speed ट्रांसमिशन के साथ, और ये आपको 4x4 का गियर लीवर आपको मिल जाता है। और गाड़ी में आपको जो विंडो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं, हैंड रेस्ट साथ में आपको सीट के साथ में गाड़ी में आपको मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको एक 6 inches का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो मिल जाता है विद द कंट्रोल्स, जो आपको बटन्स हैं वो भी यहाँ पे मिल जाते हैं। बोनट आपको कम्प्लीटली गाड़ी से विजिबल आप देख सकते हैं, पूरा विजिबल बोनट आपको गाड़ी में मिल जाता है। फिलहाल अंदर की अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो ये जो आपको ये दिख रहा है आपको रेड जो भी काम, ये सारा कस्टम हो रखा है, सारा कस्टमाइज्ड है। इनफैक्ट नीचे भी आप देखें तो सारा ये कस्टमाइज्ड काम हो रखा है, और ऊपर भी आप देखेंगे तो ऊपर भी रोल्स रॉयस वाली लाइटें गाड़ी में लगी हुई है। स्पीकर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, 2 speakers यहाँ पे, 2 tweeters यहाँ पे आपको ऊपर में ही मिल जाते हैं, और पीछे आप देख सकते हैं पीछे की स्पेस है, 2 लोगों के लिए ही बैठने की जगह होती है। इसलिए कहते हैं कि थार सब लोग नहीं ले पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली को कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ता है। साइट में जो आपको ये ऑप्शन दिख रहे हैं कप होल्डर के और ये सब कस्टमाइज है, ये आपको कंपनी से नहीं आता, ये सारा कुछ कस्टमाइज है यहाँ पे। ये फिलहाल ये है एक महिंद्रा थार 4x4 फुल्ली कस्टमाइज्ड, और ये जो कस्टमाइजेशन जो हुई है ये आपको दिल्ली में बड़ी इजीली अवेलेबल हो जाएगी। एड्रेस आपको हम बता देते हैं, एस कस्टम इंटीरियर पे गाड़ी का जो काम है वो इस तरह से आप करा सकते हैं। एक बार वापस से दिखा दो यार, ये रेड एंड ब्लैक, इनफैक्ट सीट कवर्स आप देखें अगर ये डिज़ाइन, ये स्टिच्ड डिज़ाइन है जो यूज़र ने करवा रखा है, और अगर आपको इस के बारे में जानना है कि ये ऐसा काम कहाँ से हो सकता है, ये सीट्स का काम, इनफैक्ट आप देखेंगे तो ये फ्रंट में जो ये काम हो रखा है सीट पे एडिशनल थाई सपोर्ट के लिए, ये भी एडिशनल, तो ये सब काम कहाँ से हो सकता है इसके लिए आप हमें कमेंट करें, हम आपको एड्रेस इसका बताएंगे, आपको नंबर बताएंगे ओनर का, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके लिए लेके आया था ऑटो सिंह एक महिंद्रा थार 4x4, और भी गाड़ियाँ आपके लिए लेके आते रहेंगे, यूज़ करके रिव्यूज़ भी लेके आते रहेंगे। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।